हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे डी किचन चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली ग्रीन चिकन मसाला रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने ले लिया 500 ग्राम चिकन। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और पुदीने का पेस्ट, दही, जीरा मसाला 1 छोटी चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का भी रसा जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे काजू और मगजतरी का पेस्ट, ग्रीन फूड कलर, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल को गरम कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे अखा गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, प्याज का पेस्ट और इसे अच्छे से धीमी आंच पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज का पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मिक्स करा हुआ चिकन। तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें रख देंगे सिल्वर पेपर की कटोरी जो हमने पहले से बना कर रखा थी। अब हम इसमें डालेंगे गरम गरम कोयला और इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी 5 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। वाओ, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ग्रीन मसाला चिकन बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।